वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा C++ के फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट का पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि फाइल क्या होती है, कितने टाइप्स की फाइल होती है, उसे कैसे क्रिएट किया जाता है और उसमें कैसे राइट किया जाता है। आज हम उसके आगे के कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे पुट फंक्शन क्या है, गेट फंक्शन क्या है, फ्लैग्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, साथ ही साथ फाइल में कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, कैसे फाइल में कॉपी करते हैं। तो आइए सीखते हैं सबसे पहले क्या फंक्शन। तो मैं दो फंक्शन की मैंने बात की है। पहले फंक्शन है क्या, पहला फंक्शन है गेट फंक्शन, गेट फंक्शन, और दूसरा है पुट फंक्शन। ठीक है, जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, गेट और पुट। ठीक है, गेट यानी लेना, यानी गेट यानी इनपुट, और इनपुट को फाइल हैंडलिंग में कहा जाता है रीड। क्या कहा जाता है, रीड। पुट यानी आउटपुट, ठीक है, और इसे कहा जाता है क्या, राइट। क्या कहा जाता है, राइट। C++ में इनपुट के लिए हम यूज करते हैं if स्ट्रीम हेडर फाइल, या if क्लास यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, if क्लास यूज करते हैं। राइट करने के लिए या आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं ओएफ स्ट्रीम। क्या यूज करते हैं, ओएफ स्ट्रीम। और दोनों के लिए मैंने बताया था कि अगर रीड और राइट दोनों करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एफ स्ट्रीम। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि अगर हमें किसी भी फाइल में रीडिंग परफॉर्म करना है, फाइल को रीड करना है, टेक्स्ट फाइल को, तो हम गेट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, रीड करेंगे तो किसी कैरेक्टर में वन कैरेक्टर रीड होगा, इसलिए एज एन इनपुट ये लेता है क्या, कैरेक्टर। क्या लेता है, कैरेक्टर, char कैरेक्टर है। ठीक है, इसी तरह पुट फंक्शन हमको कुछ ना कुछ हमें डिस्प्ले करेगा, तो ये भी लेगा क्या, कैरेक्टर डिस्प्ले लेगा। क्या लेगा, कैरेक्टर, यहाँ पर ch डिस्प्ले लेगा। अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूँ तो सिंटेक्स वाइज सपोज करिए मैंने कोई एफ स्ट्रीम बनाया ऑब्जेक्ट, एफ स्ट्रीम obj। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, obj डॉट गेट, और यहाँ पर ch यानी कैरेक्टर, कोई एक कैरेक्टर रीड करने के लिए, और ये obj पुट ch यानी ये कैरेक्टर जो है राइट करने के लिए। ठीक है, इस तरह हम गेट और पुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो अभी मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको करूँगा, यूज़ करूँगा, तो आपको बताऊँगा कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, इसके साथ मैं आपको चार चीज़ें और बता देता हूँ, चार और ऐसे फंक्शन हैं जो एरर हैंडलिंग में काम आते हैं, फाइल हैंडलिंग के केस में। तो वो क्या है, उनके फ्लैग भी कहा जाता है उन्हें। ये चार चीज़ों की मैं बात कर देता हूँ। पहला है EOF। क्या है, EOF, दैट इज एंड ऑफ फाइल। क्या होता है, एंड ऑफ फाइल, फाइल के लास्ट तक पहुँचना, रीड करते समय कहाँ तक पहुँचना, फाइल के लास्ट तक पहुँचना। या ये समझ लीजिए, जब हम किसी भी टेक्स्ट फाइल में जो कंटेंट लिखा होता है, जो थ्योरी लिखी होती है, उसको मूव करते हैं, वन बाय वन मूव करते हैं, तो लास्ट तक जब पहुँचते हैं तो उसके लिए जब हमको चेक करना होता है तो हम EOF फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है एंड ऑफ फाइल। अगर हम एंड ऑफ फाइल तक पहुँच गए, अगर हम पहुँच गए तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, और अगर हम नहीं पहुँचे तो ये हो जाता है क्या, फॉल्स। ठीक है, तो जब कभी भी कंडीशन यानी लास्ट तक हम पहुंच जाते हैं EOF में, तो हमें ट्रू कंडीशन मिलता है। ट्रू यानी नॉन जीरो, ट्रू यानी क्या, नॉन जीरो, और फॉल्स यानी जीरो। ठीक है, तो इस तरह हमें मिलता है इसके केस में। ठीक है, तो जब कभी भी हम रीडिंग परफॉर्म करेंगे या कभी भी हम राइटिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस केस में हम EOF का यूज़ करेंगे ताकि हम फाइल के लास्ट तक पहुँच सकें। ठीक है, फिर इसके बाद फेल, इसके बाद कौन सा फंक्शन यूज होगा, फेल। तो फेल के केस में क्या होगा कि अगर कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो पा रहा है इस फाइल में, चाहे वो इनपुट का हो चाहे वो आउटपुट का हो, अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फेल ऑपरेशन से हमें बता देगा कि हमारा ऑपरेशन फेल हुआ है या नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद दो और फाइल, एक गुड और एक बैड। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अगर हमारी फाइल में कोई एरर नहीं है, फाइल में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो इजीली परफॉर्म हो जा रहा है, तो उसे बोलते हैं गुड फाइल फंक्शन। ठीक है, तो सब कुछ इजी हो जाए, ओके फाइल हो जाए।
और अगर कोई ऐसा एरर आ जाता है, ऐसा एनकाउंटर्ड हो जाता है एरर, या कोई हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में जिसको हम सॉल्व ना कर पाएँ, ऐसा एरर जिसको हम सॉल्व ना कर पाएँ, तो वहाँ पर हम बैड फंक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली ये जो है, ये हमारे फाइल के फाइल में जब भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस समय जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए हम इनका यूज़ करते हैं। फिलहाल मैं ईओएफ का यूज़ करके अभी दिखाता हूँ कि कैसे हम ईओएफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए इन्हें एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। अभी फिलहाल जो मैंने अभी थ्योरी बताई है उनके मैं स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूँ, उन्हें देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, आइए समझते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू कि फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे फाइल में राइट किया जाता है और कैसे उसी फाइल को रीड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक हेडर फाइल लगा लेता हूँ, हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, इंट मेन ले लिया, ठीक है, मेन फंक्शन बना लिया। अब हमें क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है जिसमें डेटा क्या करना है, राइट करना है। तो राइट यानी क्या होता है, आउटपुट, यानी ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना दिया, ओ एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैंने रख दिया आउट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ये काम कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसमें राइट करना है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो राइट करने के लिए क्या करते हैं, इसे हम ऑब्जेक्ट यानी ओपन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने इसे समझाया, एक्सप्लेन किया, आप देख लीजिएगा। अब हमें राइट करना है क्या, कैरेक्टर। तो मैं कोई एक कैरेक्टर ले लेता हूँ, अगर मोर देन वन कैरेक्टर लेना है तो मैं कैरेक्टर अरे ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, कैरेक्टर अरे, 200 साइज का कैरेक्टर अरे ले लिया, और कुछ भी लिख देते हैं इसमें, जैसे सपोज टाइम इज ग्रेट टीचर। ठीक है, ऐसा ले लिया। अब मोर देन वन कैरेक्टर भी ले सकते हैं, सपोज मैंने एक और कैरेक्टर ले लिया, सी कैरेक्टर करके ले लिया, 50 साइज का, हेलो सर, ऐसा आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टर अरे हमने लिया है, इसको क्या करना है, हमें राइट करना है। तो राइट करने के लिए हम एक्सट्रैक्टर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ओ बी जे, एक्सट्रैक्टर ऑपरेटर का यूज़ किया और यहाँ पर लिखा क्या, सी एच। ठीक है, इसी तरह ओ बी जे सी, ये दोनों चीज़ें राइट हो जाएंगी। ये राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्या करने के लिए, राइट करने, राइट ऑन फाइल। ठीक है, राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हम चाहें तो एक मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं, फाइल राइट सक्सेसफुली या सक्सेस, जो भी लिखना। ठीक है, और रिटर्न जीरो लगा दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। तो क्या होगा कि आउट नाम की एक फाइल यहाँ से क्रिएट होगी, और क्रिएट होकर के उसमें टाइम इज़ अ ग्रेट टीचर एंड देन हेलो सर लिख के आ जाएगा। ठीक है, ये दो कैरेक्टर रहेंगे जो यहाँ पर क्या करेंगे, राइट करेंगे, ये राइट हो रहा है। एक्सट्रैक्टर ऑपरेटर से हम राइट कर सकते हैं, हालांकि पुट ऑपरेशन, पुट फंक्शन से भी हम कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि हम एक्सट्रैक्टर ऑपरेटर से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइल में राइट हो गया, अगर फाइल होगी तो ओपन हो जाएगी, नहीं होगी तो क्रिएट हो जाएगी। ओके, इतनी बात समझ में आई है। अब आइए बात करते हैं किस पे, रीड करने के लिए, किसके क्या करने के लिए। ये फाइल को हमने राइट किया है, क्या किया है, राइट किया है। अब हम करेंगे क्या, फाइल में रीडिंग, क्या करेंगे, रीडिंग। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए फिर से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग करने के लिए क्या क्या करेंगे, कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। हम इस बार आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक कैरेक्टर लेंगे जो वन बाई वन उसमें से रीडिंग परफॉर्म करे। रीडिंग करने के लिए हम एक लूप चलाएंगे जो हमारे फाइल को स्टार्ट टू एंड तक जाए, और एंड तक जैसे रीड कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम उसके फाइल को क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हैं उसे हम चाहें तो कंसोल में प्रिंट कर सकते हैं और फिर बाहर आ सकते हैं। तो ठीक है, समझ लेते हैं। हेडर फाइल यही लगेगी, मैं नहीं लगा रहा हूँ, मेन फंक्शन भी यही लगेगा, नहीं लगा रहा हूँ। स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, कहाँ से, ओपनिंग कर लिए से। ठीक है, ओपनिंग कर लिए से आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आई एफ स्ट्रीम ओ बी जे, और सेम फाइल ओपन कर लेते हैं, आउट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ये फाइल ओपन कर ली हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक कैरेक्टर चाहिए जो वन बाई वन रीड करे। तो कैरेक्टर ले लिया सी एच।
ठीक है। लूप मैंने जैसे कहा था कि लूप लगा सकते हैं तो लूप लगाना है, ठीक है। वाइल लूप लगाया, डब्ल्यू एच आई एल ई वाइल लूप लगाया, और हमने बोला कि ओ बी जे यानी जो भी हमारी फाइल है जब तक एंड ऑफ फाइल में नहीं पहुंच जाती, यहाँ पे नॉट सिंबल, ठीक है, जब तक एंड ऑफ फाइल में नहीं पहुंच जाती तब तक हमें क्या करना है, क्या करना है, ओ बी जे को रीड करना है, क्या करना है, ओ बी जे को रीड करना है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर ऐसा लिखते हैं ओ बी जे रीड करते हैं तो यहाँ पर विदाउट गैप जितने भी कैरेक्टर हैं वो वन बाई वन रीड कर लेगा। तो इसका एक अल्टरनेट वे है, इसी का अल्टरनेट वे है कि हम लिखें ओ बी जे डॉट, और यहाँ पर क्या करना है, रीड कर रहे हैं तो गेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर सी एच ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। फिर जो चीज़ आ रही है हमारे पास रीड हो रही है उसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं कंसोल पे, तो नॉर्मल सी आउट मैसेज दे दीजिए, सी आउट में आप कर दीजिए क्या, सी एच को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दीजिए और इसको लगा लीजिए क्या, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न जीरो, ठीक है। जैसा आप इंट मेन यूज़ करना चाहते हैं तो इंट मेन यूज़ कर लीजिए, ओके। ये बात सही, ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ सी आउट लगाया है तो यहाँ पे हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी आईओ स्ट्रीम की, तो आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल यूज़ कर लीजिए। तो इस तरह हम किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कंटेंट राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और फिर उसी फाइल में जो कि फाइल क्रिएटेड है उसी फाइल को ओपन करके और उसमें से जो भी कंटेंट है उसे क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो इनके इस प्रोग्राम्स के मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, इनको आप समझ लीजिए। और इसके बाद हम ये समझते हैं कि एक फाइल के डेटा को दूसरे फाइल में कॉपी कैसे करते हैं, ओके। तो एक फाइल के डेटा को दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई एक फाइल बना हुआ है, ये फाइल है, इसके पास कुछ डेटा लिखा हुआ है, इसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, इस फाइल के डेटा को यानी कंटेंट को दूसरी फाइल में क्या करना है, कॉपी करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरी फाइल क्रिएट करना पड़ेगी। सपोज़ करिए अभी मेरे पास ये आउट नाम की ही फाइल थी, यही फाइल है, तो क्या करना पड़ेगा, एक दूसरी फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने क्रिएट कर लिया सैम्पल नाम से, सैम्पल नाम से फाइल क्रिएट कर लिया। फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ के डेटा को रीड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रीड, ठीक है। और जो डेटा रीड कर रहे हैं वही डेटा यहाँ ले जाकर क्या करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ का डेटा वहाँ पहुँच जाएगा तो यूज़र को ये लगेगा कि यहाँ से कॉपी हुआ है और यहाँ पे जाकर के क्या हो गया है, पेस्ट, जबकि यहाँ से रीड होगा और वहाँ जाके हो जाएगा क्या, राइट, ठीक है। तो समझते हैं इस ऑपरेशन को हम प्रोग्रामेटिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेडर फाइल यूज़ कर लीजिएगा, हेडर फाइल लगा लिया, ठीक है, हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है, ये हेडर फाइल लगा लिया। इसके बाद हमने एज यूजुअल इंट मेन लिखा, इंट मेन, ठीक है। इंट मेन लिखने के बाद एक हेडर फाइल और यूज़ कर लीजिए, कई बार हमको मैसेज प्रिंट करना होता है तो फिर प्रॉब्लम आती है, तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम भी कर लीजिएगा, ठीक है। इंट मेन लिया, इंट मेन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वो फाइल लेंगे जो ये वाली फाइल है, ठीक है, आउट वाली फाइल है, और ये वाली क्या है, हमारी जो नई फाइल है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, इसमें से हमें क्या करना है, रीड करना है, क्या करना है, रीड, तो ये आई एफ के लिए बनेगी, आई एफ स्ट्रीम के लिए बनेगी, और इसमें हमें करना है राइट, तो ये बनेगी क्या, ओ एफ स्ट्रीम के लिए, ठीक है। दो तरह की फाइल बनेगी, एक आई एफ स्ट्रीम के लिए और एक ओ एफ स्ट्रीम के लिए। तो सबसे पहले आई एफ स्ट्रीम वाली बना लेते हैं, आई एफ स्ट्रीम ओ बी जे, और यहाँ पर फाइल नेम दे दिया आउट डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ये आई एफ स्ट्रीम के लिए बन गई। इसी तरह हम क्या करेंगे, ओ एफ स्ट्रीम के लिए बना लेंगे, तो ओ एफ स्ट्रीम के लिए बना लिया, ओ एफ स्ट्रीम के लिए बना लिया, सपोज माई नाम से बना लिया, माई फाइल नाम से, ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम दे दिया सैम्पल डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट, ठीक है, दो फाइल हमारे पास बन गई। अब इससे हमें रीड करना है और इसमें क्या करना है, राइट करना है, तो एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा, तो एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज कैरेक्टर सी एच, ठीक है।
कहां तक रीड करना है, एंड ऑफ फाइल तक, और कहां तक राइट करना है, जितने मिलते जाएं, यानी लूप के अंदर ही हम सारा काम करेंगे। तो हम लगा लेते हैं लूप व्हाइल। अब ध्यान सुनिएगा, किसके लास्ट तक जाना है, जहां जो ये वाली फाइल है, क्योंकि जितना इसमें है वही डेटा यहां पर कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो इसी की लास्ट तक जाना है, तो हम ओबीजे की लास्ट तक जाएंगे। तो ओबीजे डॉट एंड ऑफ फाइल, और यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, रीडिंग करनी है। तो रीडिंग कहां से होगी, ओबीजे से। तो ओबीजे और यहां पे हुई रीडिंग सी एच, इससे करेंगे क्या, सी एच से रीडिंग करेंगे। और राइटिंग कहां करेंगे, सेम टाइम पे, जैसे ही इससे रीडिंग करेंगे वैसे ही सेम टाइप पे माई फाइल में, माई फाइल में हम कर देंगे क्या, सी एच को राइट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, सी एच को राइट कर दिया। यहां पर आप पुट फंक्शन, जैसा मैंने कहा है कि आप इसमें पुट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर गेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके इसके बाद जब ये राइट हो गया, तो हमने इसको कर दिया क्या, क्लोज। जब भी कभी फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखते हैं कि हम फाइल को क्लोज करते हैं। क्या करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं। लास्ट प्रोग्राम में मैंने नहीं बताया था बोर्ड में, पर स्क्रीन शॉट में जो भी बताया वो उसमें है, तो आप देख लीजिएगा। तो ओबीजे डॉट क्लोज किया, ठीक है, और इसी तरह माई फाइल डॉट क्लोज किया, ठीक है, और रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया, रिटर्न जीरो। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फाइल का डेटा यहाँ से रीड हो रहा है, यहाँ पर रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, रीड हो रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है, राइट। तो इस तरह हम एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में कॉपी पेस्ट कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में, आज इस ट्यूटोरियल में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएँ। थैंक यू सो मच।